हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले हैं। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी आई है आरपीएससी की तरफ से। यहां पर सबसे पहले बच्चों को जो उम्र जाननी होती है, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो जहां पर जो है एज दी हुई होती है, तो मैं आप लोगों को जरूर बताती हूँ, ऑथेंटिक साइट पर जाकर सारी चीजें क्लियर करती हूँ। तो यदि आप पहली बार जो है वो चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाती हूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो यहां पर जो एज है, मैंने आपको बताया, थंबनेल में देख लिया है आपने, मैक्सिमम 40 ईयर है, 40 साल है। इसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, सभी को आरक्षण यहां पर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को तो होती है, साथ में इस वैकेंसी में पुरुषों को भी आरक्षण है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो पुरुष हैं, इनको 5 वर्ष की जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 10 साल का आरक्षण मिल रहा है। साथ में जो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनको भी 5 वर्ष का आरक्षण मिल रहा है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला की कोई भी जो है वो उम्र नहीं है, कितनी भी उम्र के हैं आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एज का यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, सभी जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। और वैसे भी जनरल में अगर पुरुषों की बात की जाए तो वहां पर 40 ईयर है, तो इतनी तो एज जो है वो सही है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, आयु सीमा जो है न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष जो है वो आप हो गई हो आपकी, और अधिकतम 40 वर्ष तक जो है वो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के आने से पहले, सबसे पहले जो है वो हम यहाँ देख लेते हैं कि वैकेंसी जो है वो कितनी है। तो 140 पदों पर जो है वैकेंसी है जूनियर लीगल ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं इसको कनिष्ठ विधि अधिकारी। बिल्कुल ये पद जो है वो स्थायी है, ठीक है, पद जो है वो स्थायी हैं, और जितने ये पदों की संख्या है ये जो है वो आगे जाके बढ़ेगी। नॉन टीएसपी क्षेत्र में जो है, नॉन टीएसपी क्षेत्र जो है उसमें 134 पद हैं और टीएसपी में 6 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पर मांगे गए हैं। तो विस्तृत विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है आरपीएससी की तरफ से 5/7/2023, और यहाँ पर जो है सिलेबस जो है वह भी आ चुका है। यदि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे तो सिलेबस अगर देखना चाहें तो साइट पर जो है सिलेबस भी आ चुका है, आज की ही डेट में आया है। यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी होती हैं और उसके बाद ही वीडियो बनाना होता है, ताकि किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रह जाए। इसके अलावा मैं आप लोगों को लिंक जरूर शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग और भी चीज़ें जो हैं, जो कि अपने वर्ग से संबंधित चीज़ें जो हैं वो जान सको। अब देखिए, क्वालिफिकेशन जो है वो आप जाने, क्या यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ में, ठीक है, मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो लॉ ग्रेजुएट किया हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो राजस्थान में आप रह रहे हैं, राजस्थानी कल्चर की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है वो आपको यहाँ पर वर्किंग नॉलेज जो है होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज इसमें कही गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी। यहाँ पर जो है वो प्रतियोगी परीक्षा होगी और उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, मेरिट बनेगी और फिर होगा आपका सिलेक्शन। परीक्षा का स्थान और माह, तो हमें जो है वो अगर पता हो परीक्षा का माह जो है वो क्या रहेगा, तो तैयारी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। सिलेबस आ ही गया है आप लोगों का, आज ही की डेट में आया है 7 जुलाई को। तो ये जो परीक्षा होगी आपकी अक्टूबर माह में होगी, डेट इन्होंने मेंशन नहीं की है, बस माह बताया है कि अक्टूबर माह में आपका जो एग्जाम ले लिया जाएगा। आवेदन तिथि जो है वो आप ध्यान में रखें 10/7/2023, यानी अभी जो है वो आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, 10 से स्टार्ट होंगे, ध्यान रखना है 10 जुलाई से, और ये चलेंगे 9 अगस्त तक, ठीक है, रात्रि 12 बजे तक। तो ये डेट जो है वो आप बिल्कुल लिख लें, अगर आप इसका फॉर्म भरेंगे तो 10/7 से जो है वो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 9/8 तक जो है वो आपको ये फॉर्म चलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, तो आरपीएससी के जितने भी फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, जैसे कि जो है आरएएस का भरा है आपने, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का भरा है, उसी तरीके से जो है वो आपको भरना है। उसके बाद फीस, फीस जो है वो क्या रहेगी यहाँ फॉर्म फिल करने की, सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर के अभ्यर्थी जो है इनकी 600 रुपये फीस रहेगी। आरक्षित वर्ग एससी एसटी है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, नॉन क्रिमिलियर
तो इनकी जो है वो 400 रुपये फीस है, और आर्थिक रूप से कमजोर और शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी जो हैं इनकी फीस जो है वो 400 रुपये है। इसके अलावा दिव्यांगजन की फीस भी इतनी ही है। सिलेबस देखो, यहाँ सिलेबस जो है इन्होंने मोटे तौर पर यहाँ पर सिलेबस जो है वो इस तरीके से बताया कि पेपर जो है वो आपके 4 होंगे, सब्जेक्ट जो है वो आपके क्या रहेंगे। यहाँ जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों की वैकेंसी है, तो यहाँ लॉ से संबंधित जो है वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। लैंग्वेज के जो है वो 2 पेपर होंगे, एक जनरल हिंदी होगा और जनरल इंग्लिश होगा। डिटेल में जो सिलेबस है वह साइट पर आ चुका है, मैंने अगेन आपको बताया है, तो आप वहां पर जाकर सारी डिटेल में चेक कर सकते हैं। आपका जो हर एक पेपर है, यानी ये जो 4 पेपर हैं, ये हर एक पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। 40% आपको लाने जरूरी हैं यहाँ पर। तो यदि आप जूनियर लीगल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप सिलेबस जो है वो आप चेक कर लें। लिंक जो है वो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जितने भी वीडियो बनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट जॉब हो, लिंक मैं जरूर देती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल ऑथेंटिक साइट पर जाकर और सारी चीज़ें जो है वो पता कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।